Hello friends, we are going to learn English subject. Subject English. E-N-G-L-I-S-H English. Dear students, open your English textbook and notebook. Today we are going to refer the English textbook of CBS pattern. So, bachcho, aaj se hum CBS pattern ka new English textbook refer karne wale hain. Today I am going to teach you new story. The story name is The Sun's Blue Hat. अभी यहाँ पे और एक की वर्ड्स है बच्चों,
गुलाब से लगी थी। The bunny hopped in. The blue hat got bigger. और बनी भी उसमें क्या चला गया उस हैट में। अभी सेकंड कौन गया? बनी, B-U-N-N-Y, बनी। बनी यानी रैबिट। क्या है बच्चों? रैबिट। रैबिट भी उस ब्लू हैट में चला गया। अभी वो हैट कैसी हो गई? और बड़ी हो गई। सबसे पहले कौन गया है? माउस। और अभी कौन गया है? बनी। तो अभी कौन जाता है देखो? The fox saw the blue hat. और फॉक्स ने भी वो ब्लू हैट देखी। It looked warm and soft. और उसे भी कैसी लगी बच्चों? वो warm and soft, बहुत ही गर्म एंड मुलायम लगी, स्मूथ लगी वो हैट। The fox went in. और फॉक्स भी उसके अंदर चला गया। अभी कौन गया बच्चों? फॉक्स गया। F-O-X, फॉक्स। The next, the fox went in. The blue hat got bigger. और वो हैट क्या हो गई? ब्लू हैट और बड़ी हो गई बच्चों। क्या हो गई? और बड़ी हो गई। तो आगे देखो क्या होता है। A goat saw the blue hat. और गोट ने भी क्या देखी? वो ब्लू हैट देखी। It looked warm and soft. और बच्चों उसे कैसी लगी वो? Warm and soft. The goat ran. और गोट भी भागते भागते उसमें चली गई। The blue hat got bigger. और वो ब्लू हैट है बच्चों और क्या हो गई? Got bigger. यानी कि बहुत ही बड़ी हो गई। अभी कौन गया? गोट गई है ब्लू कलर की हैट में। अभी कौन जाता है देखो? A lady bug saw the blue hat. और लेडी बग ने भी क्या देखी बच्चों? वो हैट देखी, ब्लू हैट। It looked warm and soft. उसे भी कौन? वो कैसी लगी? स्मूथ एंड गर्म नरम लगी। The lady bug moved in. और लेडी बग भी उसके अंदर चली गई। अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड से बच्चों, लेडी बग। लेडी बग यानी अ स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट, स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट। आगे देखो अभी क्या होता है। द लेडी बग मूव इन, और लेडी बग भी उसके अंदर चली गई। अभी कौन गया है? लेडी बग। अभी आगे क्या होता है? एंड पॉप वेंट द ब्लू हैट, और वो हैट क्या हो गई? पॉप हो गई। पॉप क्या हो गई? फट गई वो, जोर से उसके फटने का ऐसा आवाज हुआ। पॉप यानी बच्चों ब्रूस ब्रस्ट भी विद अ सडन शॉर्ट साउंड, अ सडन शॉर्ट साउंड, सडन शॉर्ट साउंड, ब्रूस्ट विद सडन शॉर्ट साउंड। यानी कि उस ब्लू कलर के हैट में पहले माउस गया, बनी गया, फिर फॉक्स, उसके बाद गोट, फिर बाद में लेडी बग गई। तो ये सब पांच एनिमल्स उस ब्लू कलर के हैट में गए। तो अभी क्या होता? वो ब्लू कलर के हैट रहेगी क्या बच्चों? नहीं रहेगी। तो वो ब्लू कलर के हैट क्या हो गई? फट गई। जोर से उसके फटने का क्या हुआ? आवाज हुआ। और उस हैट में से उन्हें बचा क्या था? आगे देखते हैं। द माउस वाज सैड, और माउस क्या हो गया? सैड हो गया, क्योंकि वो हैट क्या हो गई थी बच्चों? फट गई थी। द ब्लू द बनी वाज सैड, और बनी भी क्या हो गया? सैड हो गया। द फॉक्स वाज सैड, वो बेचारा वो भी दुखी हो गया। द गोट वाज सैड, और वो भी बेचारी दुखी हो गई गोट भी। लेडी बग वाज सैड, और लेडी बग भी क्या हो गई? दुखी हो गई। यानी ये सब एनिमल्स क्या हो गए? दुखी हो गए, क्योंकि ब्लू कलर की हैट क्या हो गई थी? फट गई थी। जो उसका फॉर्म ऐसे वाइस हुआ था, यानी अ ब्रस्ट भी अ सडन शॉर्ट साउंड हुआ था। तो बच्चों अभी आगे होता है। नाउ व्हाट वाज इट? तो अब बचा क्या था? क्या बचा था बच्चों? ओनली द पॉम-पॉम। क्या बचा था? पॉम-पॉम यानी कि अ स्मॉल बॉल मेड ऑफ ऊन। अभी पॉम-पॉम किसे कहते हैं? देखो ये कैप के ऊपर रहता है ना, नीली टोपी के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? पॉम-पॉम। स्पेशली ऑन हैट, हैट के ऊपर ही रहता है, हैट के ऊपर। और ये यूज फॉर डेकोरेशन, हैट के ऊपर डेकोरेशन के लिए रहता है। आप सांता क्लॉज की क्या आपने देखी क्या? उसके ऊपर ऐसे गोल जैसे है, गोल जैसे क्या है उसे? पॉम-पॉम कहते हैं, यानी कि अ स्मॉल बॉल अ मेड ऑफ ऊन। तो बच्चों डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी? आपको इस
Do you understand?